नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल हिमाचली साइंस अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो है टेट और सी टेट की तैयारी एक साथ की थी। आई होप कि आप मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको अपने सीनियर से या फिर यूट्यूब से जो है देखना है, या फिर सीनियर से जो है आपने मांग लेने हैं। तो आपने क्या करना है, उनको जो है बहुत अच्छे से देखना है। आप एटलीस्ट एक या दो दिन उनको देखिएगा, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा कि कहाँ से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो है, कौन से टॉपिक से जो है हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उनको एक अलग से जो है अपनी नोटबुक पर लिख दीजिएगा कि ये जो टॉपिक है वो आ रहे हैं हर बार। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी बुक्स का जो है चुनाव करना है, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो है टेट और सी टेट की तैयारी एक साथ की थी, तो मैंने उनके लिए जो है कुछ एक कॉमन बुक्स ली थी, जैसे ये है सी टेट या फिर एस टेट की बुक्स जो है हिमांशी सिंह की मैम की, और आप चाहे तो इनका जो है यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, लेट्स लर्न। वहाँ पर जो है सारी CDP की प्लेलिस्ट दी गई है और आप वहीं से भी देख सकते हैं, और बहुत अच्छा दिया गया वहाँ पर। आप दो तीन दिनों में ही उन सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जो कि CDP की है। बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है वहाँ पर, सारी थ्योरीज दी गई है, पेवलोव की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, और इसके अलावा भी बहुत सारा जो है मटेरियल दिया गया है वहाँ पर। यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर अपने नियर बाई बुक शॉप से भी जो ले सकते हैं। और ये बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत कम टाइम में जो है आप अपना अपनी तैयारी कर सकते हैं, और इसके लास्ट में जो है प्रीवियस ईयर के सी टेट के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि सी टेट में किस तरीके से आता है। और जो उसका फ्रंट वाला पोर्शन है जिसमें बहुत सारे जो है टॉपिक कवर किए गए हैं, आप चाहे तो उनको ही पढ़ सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है। और उसमें बहुत अच्छे से जो है नोट्स की फॉर्म में दिए गए हैं सारे टॉपिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों, मैंने भारत दर्पण पढ़ी थी। भारत दर्पण जो है आकाश की है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें अगर आपके पास कम टाइम रहेगा तो आप इस बुक को लास्ट में ही पढ़िएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आपने क्या करना है, इस बुक्स को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें MCQ भी दिए गए होते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए होते हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल HPGK का जो है, के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आकाश की जो हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान ले, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छे से MCQ भी दिए गए हैं और वन लाइनर भी लास्ट में दिए गए हैं। यदि आप डिटेल नहीं पढ़ना चाहते तो आप डायरेक्ट MCQ पर या फिर वन लाइनर पर जाइएगा अगर आपके पास कम टाइम बचता है तो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला पोर्शन कहाँ से कवर किया था, जिसके लिए मैंने जो है ये NCERT की का जो सार होता है, NCERT पर आधारित जो है एक बुक होती है जिसके संपादक है ज्ञानचंद यादव, तो इसकी बुक आप ले सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही कवर किया गया है, पर हमने जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी इससे पढ़नी है। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक दिए गए हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ ब्रेन, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है टॉपिक्स जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं, स्केलेटल सिस्टम और स्टडीज़ वगैरह इसमें दी गई है। तो इसमें जो है बहुत अच्छे से कम समय में जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं इस बुक को, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। इस बुक को आपने जो है दो बार पढ़ना है, क्योंकि बायोलॉजी जो पोर्शन है इससे जो है 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहीं से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे, और केमिस्ट्री के भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसके अलावा जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तैयारी कहाँ से की थी। मैंने जो है
जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है उनको भी पढ़ा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जब तैयारी की थी तो मैंने 1.5-2 महीना जो है दे दिया था तैयारी के लिए। तो फर्स्ट टाइम में मैंने एनसीईआरटी बुक्स को भी पढ़ा था, पर सेकंड टाइम में जब मैंने दोबारा से टेट दिया था तो उस टाइम मैंने सिर्फ 20 डेज में जो है एनसीईआरटी बुक्स और ये जो एनसीईआरटी पर आधारित बुक्स है जो कि ज्ञानचंद यादव की है, इनको जो है मैंने 20 डेज में कवर कर लिया था। तो ये जो दो बुक्स है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको कम दिनों में जो है टेट क्वालिफाई करना है तो आप जो है ये जो बुक दी गई है यहाँ पे इसको जो है ज़रूर लें और इसको अच्छे से पढ़ें और इसका रिवीजन जो है पेपर से पहले ज़रूर करें। इसके बाद है यदि आपने जो है भारत दर्पण और जो हिमाचल दर्पण है ये नहीं पढ़नी है और आपके पास कम दिन बचता है, सिर्फ 3-4 दिन आपको आपके पास बचते हैं लास्ट में एचपी जीके के लिए और इंडिया के जीके के लिए, तो आपने क्या करना है, इस तरीके की कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव जो है ये बुक्स आती है मार्केट में, जैसे मेरे पास जो है एचपीयू की बीएड के एंट्रेंस की बुक थी, तो मैंने क्या किया इसमें जो है जो एचपी जीके वाला पोर्शन और जीके वाला पोर्शन होता है वो वन लाइनर की फॉर्म में दिया गया होता है, तो हमने क्या करना है उन क्वेश्चन को जो है 2-3 दिनों में लगातार पढ़ते रहना है। तो उनमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन, दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से हर बार देखने को मिलते हैं, चाहे आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो आर्ट्स टेट की या फिर जीबीटी की, तो आपको जो है ये वाली बुक्स जो है बहुत ही हेल्प करेगी कम समय में जो है अपने टेट को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं सामान्य ज्ञान। यदि आपके पास टाइम है टेट की तैयारी करने के लिए तो आपने क्या करना है, भारत दर्पण के अलावा जो है सामान्य ज्ञान भी पढ़ लेना है। इसमें आपने जो बायोलॉजी वाला पोर्शन होता है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन होता है, उनके हर एक क्वेश्चन को जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अलावा जो स्टडीज़ होती हैं वो दी गई होती है, और जो डिज़ीज़ के बारे में दिया गया होता है, और हमारे जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में दिया गया होता है, उसके प्लांट्स के बारे में दिया गया, क्लासिफिकेशन दी गई होती है, और केमिस्ट्री में जो है मिश्र धातुएं दी गई होती है, और भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे वन लाइनर, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन टेट में देखने को मिलेंगे। तो आपने यहाँ से विज्ञान तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ही, साथ में आप जो है जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखे हैं कि कौन कौन से पोर्शन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, जैसे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है, और जो भारत के साथ दूसरे कौन कौन से देशों की सीमाएँ लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को यहाँ से कवर कर सकते हैं। पर ये मैं आपके लिए जो है लास्ट में ही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि उससे पहले जो अगर आपके पास कम टाइम बचता है तो आपने जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एंट्रेंस की बुक्स होती है कई, तो उनको ही पढ़ना है। ये आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हमने भी जो है किस तरीके से बीएड के फर्स्ट ईयर से ही हमने तैयारी करना शुरू कर दी थी, और हमारे पास जो है बहुत ही कम टाइम बचता है पढ़ने के लिए, करीब करीब हमारे पास 1.5 या 2 महीना भी नहीं बचता है पढ़ने के लिए, और कई बार तो हमारे पास जो है 20-25 दिन ही बचते हैं, क्योंकि साथ साथ में जो है बहुत सारी फाइलें बनानी होती है और बीएड भी करनी होती है। तो ये जो मैं आपको बुक बता रही हूँ इनसे जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली हूँ दोस्तों, आपको सच में ही बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप डायरेक्टली जो है यूट्यूब चैनल से जाकर भी अपने बायोलॉजी पोर्शन कवर कर सकते हैं, जीके पोर्शन कवर कर सकते हैं, और अपना जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन खासकर लेट्स लर्न चैनल से जो है बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और वो भी कम टाइम में। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 1-2 दिनों में जो है CDP और जो है बायो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो बनाने वाली हूँ, यदि आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो जो है मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।